नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज के बारे में, नाम है बीस्ट ऑफ बेंगलोर इंडियन प्रेडेटर। ये आई है नेटफ्लिक्स पे, मूलतः ये कन्नड़ सीरीज है और हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं। डायरेक्टर हैं अश्विन राय शेट्टी। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहां मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। इस सीरीज की कहानी है 1990s की बैंगलोर और चित्रदुर्ग की और उमेश रेड्डी की। उमेश रेड्डी एक दुर्दांत अपराधी था। एक वक्त में वो बेंगलुरु और आसपास के जगहों के लिए भय का पर्याय बन चुका था। वो एक सीरियल ऑफेंडर था, महिलाओं को खास करके वो निशाना बनाता था, उनसे लूटपाट करता था, सेक्सुअली अब्यूज करता था, यहाँ तक कि रेप और मर्डर भी उसने किए। और ये बहुत ही शातिर अपराधी था। दो बार पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी वो फरार हो चुका था। तो इसी उमेश रेड्डी की कहानी आप इस सीरीज़ में देखते हैं। दोस्तों ये सीरीज़ की जो कहानी है एक खौफनाक कहानी है, लेकिन क्या ये बहुत प्रभावशाली कहानी है, क्या ये सीरीज़ बहुत इंगेजिंग है, तो ऐसा नहीं हो पाया है। देखिए यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, जैसे यहाँ पहले एपिसोड में आप देखते हैं कि उमेश किस तरह से महिलाओं को शिकार बनाता है और महिलाओं को किस कदर ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। दूसरे एपिसोड में आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन को देखते हैं और तीसरे एपिसोड में आप देखते हैं हमारे जुडिशरी के सिस्टम को कि किस तरह से अगर जांच पड़ताल में कोई कमी रह जाए तो उसका फायदा दुर्दांत अपराधी भी उठा लेते हैं। तो ये सब चीजें देखना हमको अच्छा लगता है और ये देख करके आप कई बार थोड़ा सा भय महसूस कर सकते हैं या उमेश रेड्डी की कहानी को लेकर के आपके मन में कुछ जिज्ञासाएं जगती हैं, लेकिन इन जिज्ञासाओं को इस सीरीज़ में पूरी तरह से शांत नहीं किया गया है। एक जो बड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट कमी रह गई है वो ये कि उमेश की साइकोलॉजी को बहुत ही गंभीरता से यहाँ समझने की कोशिश नहीं की गई है। देखिए उमेश बचपन से बदमाश था, चोरी चकारी वो किया करता था, गांव वालों ने इसे चोरी के इल्जाम में कई बार पकड़ा और बाद में हम देखते हैं कि वो सीआरपीएफ में भर्ती हो गया, लेकिन वहाँ भी उसकी बुरी हरकतें उसके साथ रहीं। तो क्या सीआरपीएफ की ट्रेनिंग भी उसको सुधार नहीं सकी, या फिर क्या ऐसी परिस्थितियाँ थी जिसने उसे अपराधी बनने की राह पर मोड़ दिया, जो एक इतना दुर्दांत अपराधी वो बन गया, एक साइकोपैथ वो बन गया। तो ये जो बीच का घटनाक्रम है ये थोड़ा हमको लगता है कि यहां कम दिखाया गया। इसके अलावा उसके घर परिवार को लेकर भी बहुत चीजें हमको नहीं दिखाई गई, उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी बात की गई और एक दो उसके फैमिली सदस्यों का बाइट दिखाया गया, लेकिन उसके घर के एटमॉस्फेयर, गांव के एटमॉस्फेयर या फिर एक चेंज जो उसकी पर्सनैलिटी में आया उसको लेकर के हमें कम ही दिखाया गया। इसके अलावा दोस्तों यहां कुछ और एक्यूज्ड रखे गए, लेकिन उनके बारे में सीरीज बिल्कुल ही खामोश रहती है, उनकी कहानी किस तरह से आगे बढ़ी ये यहां हमको दिखाई नहीं गई। तो ये सीरीज एक अच्छी सीरीज आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इंगेजिंग, बहुत ज्यादा थ्रिलिंग ये सीरीज नहीं है और एक बेहतरीन सीरीज बनने के पोटेंशियल को यहां खत्म कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि ये वक्त अब नेटफ्लिक्स के लिए भी ठहर करके सोचने समझने का है। इंडियन प्रीडेटर की सीरीज बहुत जल्दी जल्दी नेटफ्लिक्स पे आ रही है, तो अब नेटफ्लिक्स के जो लोग हैं या जो क्रिएटर हैं उनको ये सोचना चाहिए और ये देखना चाहिए, अपने कंटेंट का रिव्यू करना चाहिए कि किस तरह से अपने कंटेंट को वो और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज में अभी 3 एपिसोड आए हैं और ये एपिसोड है 40-50 मिनट के आसपास। इस सीरीज में आपको वायलेंस दिखता है, सेक्सुअल अब्यूज दिखता है, कई ऐसी चीजें हैं जो फैमिली और बच्चों के लिए ठीक नहीं हो सकती हैं। और ये सीरीज एक बार देखने के लिए एक अच्छी सीरीज आप कह सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक बेहतरीन सीरीज होने का पोटेंशियल इसने गंवा दिया है। और दोस्तों इस सीरीज के लिए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 3 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात, आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये सीरीज देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। धन्यवाद।